और अल्लाह ना करे मैं फिर कह रहा हूं इमरान खान पाकिस्तान है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार ये जो अज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, अगले 20 दिन तक ना कोई वकील उनसे मिल सकता है और ना ही कोई पॉलिटिकल शख्सियत उनसे मुलाकात कर सकती है। इस वक्त पीटीआई की सीनियर क्यादत अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और शौकत बसरा इमरान खान की जान को जो खतरात लाहक हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। उनका ऑर्डर मेरे पास है, फरदोस नकवी साहब उनके पास ऑर्डर है, उन्होंने उनको हवा में फेंक दिया, उन्हें हमें मिलने दे रहे हैं। तो देखें बहुत सीरियस इशू है, हम ये समझते हैं कि खान साहब की जान को शदीद खतरा है। पहले 2 हमले हो चुके हैं और अब सोची समझी साजिश किताबें आपने देखा कि यहाँ तो झंडा लेकर बाहर निकल सकते हैं, वहाँ बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लोग निकले और वो डायरेक्ट पहुंच गए वहाँ पर अडियाला जेल। अभी जो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा इसके पीछे कुछ साजिश है और अल्लाह ना करे मैं फिर कह रहा हूँ इमरान खान पाकिस्तान है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार ये जो चीफ मिनिस्टर है मरियम बीबी कैलबरी फॉन्ट वाली है, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होंगे और सोची समझी साजिश के ताबे ये सारा कुछ हो रहा है। अभी आप देखें ना, अगर बुकला को मिलने नहीं दिया जा रहा जो उनका आईनी कानूनी बेसिक राइट है, इसलिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हम पार्टी फैसला कर रहे हैं कि इसके उम्र अगला लहमल बनाने जा रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है और हम पार्टी फैसला कर रहे हैं इसके उम्र अगला लहमल बनाने जा रहे हैं। तो जी दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया, शौकत बसरा का कहना है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं, जिसके सिलसिला में हमें उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास हाई कोर्ट के आर्डर्स भी मौजूद हैं जिन्हें हवा में उड़ा दिया गया है। अडियाला जेल से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।